हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल। तो गाइज, आज देखिए हम शाही पनीर बनाएंगे। ये मैं आपको शाही पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना सिखाऊंगी, अपने खुद के होटल में बनाया शाही पनीर। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है और इसको हम किसी भी शेप में क्यूब में काट लेंगे। वैसे शाही पनीर में ट्रायंगल शेप डलती है, तो आप जैसी चाहे शेप काट सकते हैं। तो इनको हम काट लेते हैं पहले। और पनीर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था गाइस, क्योंकि मार्केट का पनीर है क्या पता कब का रखा हुआ होता है, तो हम इसको धोकर ही बनाएंगे। कुछ कोरोना का भी प्रॉब्लम है तो इसको धो लें अच्छी तरह से। और ये देखिए, मैंने दो बड़े टमाटर काट पीस लिए हैं और दो बड़े प्याज पीस लूँगी। इन सबको मैं अलग अलग पीसूँगी। तो गाइस ये देखिए, टमाटर भी मैंने पीस लिया है। एक हम पैन चढ़ा देंगे, ये नॉन स्टिक पैन है, सिंपल पैन में भी बन जाएगा। और गाइज ये तेल बचा हुआ था मेरा रिफाइंड थोड़ा सा, तो वही डाल दूंगी मैं। इसमें जीरा डाल देंगे आधा चम्मच, दो से तीन तेज पत्ता, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्च है। गाइज लौंग है नहीं वैसे, डलेगी इसमें लौंग, इस टाइम थी नहीं मेरे पास। इनको आधा मिनट में भून जाते हैं ये, उसके बाद हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज को सिकने में दो से ढाई मिनट लगते हैं गाइज, और इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए प्याज हमारे सिक गए हैं, अब हम डाल देंगे ये जो हमने टमाटर पीसे थे, मसाले डालेंगे। इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है, ग्रेवी अच्छी बनती है इससे। दो चम्मच डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, एक चम्मच डाला है मैंने, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाला है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और गाइज ये जो टमाटर है इनको हम ढककर 4 से 5 मिनट तक सेकेंगे तेल छोड़ने तक। ये देखिए अच्छी तरह से इसने तेल छोड़ दिया है, थोड़ा और सेकेंगे अभी हम, एक बार बीच में चला लेंगे कभी लगना चाहिए। 3 से 4 मिनट हो गए थे और अब हो गए हैं 5 मिनट, अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। तो गाइस जब टमाटर तेल छोड़ देंगे तो हम 2 से 3 चम्मच इसमें बिल्कुल गाढ़ा दही डालेंगे बगैर पानी का। और ये देखिए 1 चम्मच मलाई। तो गाइस जी इसमें मगज़ और काजू का पेस्ट डलता है, जो कि हम काजू मगज़ को भिगोकर पीस कर फिर डालते हैं, तो उसकी जगह मैंने मलाई डाली है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास वो था नहीं। होटल में मगज़ और काजू ही डलते हैं ग्रेवी में, या फिर खोया डाल देते हम। तो मैंने डाल दिए थे इसमें मलाई काजू की जगह, और अब पनीर डाल दिया है। इसको हम फिर से सेक लेंगे तेल छोड़ने तक, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको सिकने में। तो गाइस सिकने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि सब्ज़ी गाढ़ी लग रही है ज़्यादा। पानी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे इसको। तो गाइस 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से जो मलाई डाली थी, घी डाला था, सब उसने छोड़ दिया तेल। अगर आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी गरम मसाला भी डाल सकते हैं, शाही पनीर मसाला भी आता है गाइज, वो भी डाल सकते हैं आप इसमें, और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है शाही पनीर मसाला डालने से। इस टाइम मेरे पास है नहीं तो मैं ऐसे ही बना कर दिखा रही हूँ आपको। तो गाइज ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, बिल्कुल होटल स्टाइल, अपने ही रेस्टोरेंट में सीखी हुई रेसिपी है। तो आप बनाइए, इंजॉय कीजिए और अपने अनुभव लिखिए मुझे कैसा बना था आपका शाही पनीर।